हिंद दोस्तों दोस्तों मैं हूं अरविंद और मैं आज आपको दिखाने वाला हूं चैन मशीन की दो क्वालिटियां, दोनों क्वालिटी में क्या डिफरेंस है वो बताने वाला हूं। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना अपने अपने व्हाट्सएप पर। तो दोस्तों हमारे पास ये दो चैन्स हैं, ठीक है। बेसिकली ये दोनों साइड एंकर चैन है, इसके बार मुँह है, इसके भी बार मुँह है। अब ये जो दोनों चैन है इनमें क्या फ़र्क है वो देख लीजिए पहले एक बार गौर से। ये जो चैन है ये जिस मशीन पे बनी है वो सिंपल वाली मशीन है, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेमी ऑटोमेटिक डांक चैन मशीन, शॉर्ट में बोलते हैं डांक मशीन साइड एंकर। और ये जो चैन है ये ऑटोमेटिक इटालियन मशीन पे बनी हुई है। तो डांक मशीन का वीडियो दाहिने कोने में चल रहा है। ये वाली जो चैन है डांक वाली, इसकी जो मशीन है वो ये है, ये रखी है, ठीक है। आपने देखी होगी ये रखी है और ये रखी है ना, ये रखी है ऊपर, ये इस पर बनी है। लेकिन जो ये चैन है ये इटालियन मॉडल वाली मशीन पर बनी है। जो मशीन होती है इटालियन वाली वो कुछ अलग होती है, स्पेशल होती है। तो आज आपको दिखाने वाला हूँ मैं इटालियन मॉडल मशीन। तो ये है भाई वो मशीन, यहाँ पर हमने ये तार लगा रखा है 1 mm का। और इसके जो फंक्शन है वो डांक मशीन से बहुत अटके होते हैं, ये चलाने में उससे ज़्यादा ईजी है लेकिन सेट होने के बाद। और इसमें क्या होता है, इसके अंदर ही हम मोटर वगैरह लगा देते हैं, यहाँ पर ये ऑटो कट लगा हुआ है और ये स्पीड मीटर है, स्पीड कंट्रोलर है, ऑन ऑफ करने का, चालू करने का सब यहीं से है, यहीं से चालू करो यहीं से बंद होती है। और यहाँ पर ये जो आप पाइप देख रहे हैं ये ऑयल के लिए है, यहाँ से क्या होता है पूरी मशीन में ऑयलिंग हो जाती है, आपको अलग से ऑयल नहीं डालना होता है। ये जो टैंक है इसके अंदर 2 से 3 लीटर ऑयल डाल दीजिए, फिर कुछ नहीं करना है, मशीन ऑटोमेटिकली ऑयल को अपने अंदर खींचती रहती है, पंप करती रहती है। इसका जो पंप है वो ये है, ये पंप है ऑयल का, ठीक है। ये लाइट लगी हुई है। तो चलिए ये मशीन है और इसकी चैन देखिए, अब इसको चला के दिखाते हैं। ये इसकी चैन है, ये कॉपर गिलट है, गिलट कॉपर पीतल पीतल है ये। अब इसको चला के दिखाते हैं, थोड़ा सा चालू करता हूँ मैं। और यहाँ से हम स्पीड कम जा कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैंने मशीन कर दी चालू, एक दो करिए, थोड़ी बढ़ाओ स्पीड बढ़ाओ। तो इस तरह से आप इसमें स्पीड स्लो पे भी चला सकते हैं, फास्ट भी कर सकते हैं। और भाई इसकी जो क्वालिटी है वो तो सुपर्ब है, सुपर्ब क्वालिटी है इसकी जो क्वालिटी है। ये देखिए डांक मशीन की चैन है, ढीली डाली और देखिए मुंह कैसा आ रहा है। और ये देखिए ये इसकी चैन है देखी। तो दोस्तों इस मशीन के बारे में जो भी आपकी क्वेरीज क्वेश्चंस हैं आप मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करिए या फ़ोन करिए डायरेक्ट या मेल करिए, ठीक है। और मशीन कैसी है, कीमत तो इसकी ये समझो इससे थोड़ी सी ज़्यादा है, बहुत कम है इसकी कीमत, मशीन के देखते हुए कीमत बहुत कम है। वेट की बात करूँ तो मशीन का वेट समथिंग 200 kg के आसपास है, ठीक है। फुली ऑटोमेटिक मशीन है। और भाई जो मशीन के ओनर हैं, जिसने मशीन खरीदी है, दादा थोड़ा इधर आओ फेमस करूँ, ये हमारे रकीबुल इस्लाम भाई हैं। और ये कहाँ से आए हैं, बारपेटा, बारपेटा से आगे, बारपेटा टाउन से आगे है, कोलगछिया, कोलगछी कलगछिया से भी आगे आपका है ना, वहाँ से आए हैं। क्या नाम है गांव का, गांव का नाम पड़ता है बालूपुरी। तो ये मशीन दादा ने खरीदा है, ये मशीन इन्होंने खरीदा है। और भाई मतलब खरीद लिया है इन्होंने, थोड़ा सा इनको सिखाया है, बताया है कैसे क्या होगा, हाँ थोड़ा सा जानकारी दिया है और इनको जानकारी लेना है। मशीन कैसा लगा, मशीन सही है, सही है, चेन क्वालिटी अच्छा आ रहा है, इससे अच्छा आ रहा है डांक से, टायर निकल रहा है सही है। और भाई इनकी ये भी मशीन है और ये जो चार मशीन है इन्हीं की है, ये जो मशीन है ना ये हमने इन पर ऑयलिंग कर रखी है। ये देखिए ये कैसी मशीन, बिल्कुल नई है। ये पता है कैसी थी, आप फोटो में देखिए, देखिए फोटो में ऐसी मशीन थी, ये बिल्कुल पुरानी कबाड़ा होके आई थी, इनके अंदर पैक होके हमने नई कर दी। और भाई लेके जा रहे हैं ये मशीनों को और ये भी जा रही है इनके पास। और आपको भी अगर चाहिए तो फटाफट फ़ोन करिए, देख क्या रहे हो, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।